आप लोग मैडम क्या लिखाएंगे? हम लोग धानुक है, हम लोगों का पूर्वजों का भी खतियान है, उसमें धानुक लिखा हुआ है। अच्छा, और मैं प्रमुख भी रह चुकी हूँ, अति पिछड़ी जाति पर चुनाव लड़ी थी जी। उस वक्त भी मेरे विरोधी मुझे जाति लेकर ही मेरे ऊपर अविश्वास लगाए थे। क्या लगाए थे? क्या आप पिछड़ी जाति से आते हैं, अति पिछड़ी में नहीं आते हैं, तो मैं फिर पिछड़ी जाति मतलब कौन जाति? कुर्मी जाति। अच्छा, आप पर ये स्पष्ट कर दीजिए मैडम। हाँ, कुर्मी जाति से आप आते हैं, पिछड़ी जाति यानी अक्सर टू से आते हैं, तो मैं उस पर चुनाव केस भी लड़ी थी और मैं अपना खतियान दिखाई थी क्योंकि मैं धानुक हूँ, हमारे ससुर जी भी धानुक है। तो आपको जीत मिल गई चूंकि, इसलिए कि आप धानुक थी। जी जी। जीत किस आधार पर मिली कि खतियान में आपका नाम था? खतियान में हमारा नाम। देखिए, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि खतियान में नाम था और जो विरोधी लोग थे इसलिए उनको हार का सामना करना पड़ा कि चूंकि इनका नाम खतियान में धानुक सही था और इसलिए ये केस जीत गई। तो आप क्या अपील करना चाहेंगी? अपील करना चाहूँगी अपने समाज से कि आप लोग अपने जात को छुपाइए नहीं, क्योंकि हम लोगों का बेगूसराय में 99% धानुक जाति के लोग आते हैं और हम लोगों को अपना जाति का उजागर करके हम लोगों को जो लाभ मिलना है वो लाभ हम लोगों को लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। आपके बात पर आपके लाखों में तो बुरा नहीं मानेंगे लोग? कोई नहीं बुरा मानेंगे, सब है धानुक है, इसमें कोई झूठ बात नहीं है। अच्छा, बहुत लोग चूँकि कई बार लोग स्थिति ये हो जाती है मैडम कि धानुक समाज के लोग खुद को कुर्मी कहते हैं, अगर उनको कोई धानुक कह दे तो बहुत ज़ोर से गुस्सा हो जाते हैं। नहीं, ये तो गलत बात है, उनको गुस्सा नहीं होना चाहिए। तो उनको सामने आना चाहिए। तो क्या अपील एक बार? जात छुपा के क्या फायदा? हाँ, ये बहुत जात छुपा के क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। तो क्या लगता है बेगूसराय में धानुकों की संख्या ज्यादा है? तो राजनीतिक रूप से क्या अभी लगता है मैडम कि धानों को जिस तरह से लाभ मिलना चाहिए था को मिला है? नहीं मिला है, अभी तक नहीं मिल रहा, सभी लोग अपनी जात को छुपा रहे हैं। अच्छा, और यदि हम लोगों का समाज धानुक समाज, हम लोगों की संख्या अधिक है, तो हम लोगों को इसके लिए आगे बढ़ चढ़ के आना चाहिए और हम लोगों को अपना हक मांगना चाहिए जी, तभी मिलेगा लाभ। एक जानकारी की लोग जो चर्चा है बिहार में खास करके कि यादव के बाद सबसे ज़्यादा कोई जाती है तो वह है धानुक है। बेगूसराय के ही संदर्भ में बात करें हम जिला में ही, तो आपको क्या लगता है धानुक समाज कहाँ है राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से? बहुत पिछड़ी हुई है, आर्थिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी बहुत पिछड़ी हुई है। अच्छा, क्या करना चाहिए जो ये समाज भी आगे बढ़े मुख्यधारा? हम लोगों को अपने धानुक जाति के लिए हम लोगों को जाति जनगणना में जो है हम लोगों का नाम दर्ज